So very good morning, students. Myself, Dr. Avnish Sharma. I am associate professor in MLB Government College, Bhilwara. आज हम लोग शुरू करेंगे BSc part 3 में जो आपके syllabus में एक chapter है जिसका नाम है Chemical Kinetics and Catalyst या रासायनिक बलगतिकी एवं उत्प्रेरण. इस रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आप लोग 11th या 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको नॉलेज है. जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहले हम उसको जान लें क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, किससे संबंधित है. उसके बाद में वेग के बारे में जानेंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, उस वेग को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो वेग को बढ़ाती हैं या घटाती हैं, कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड होती है. उसके बाद हम जानेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जिसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं. अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जिसे अणुसंकेतता कहते हैं. उनको निकालने के तरीके क्या है, उन दोनों में अंतर क्या है. ओके, उसके बाद में जो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उनके लिए कुछ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन इक्वेशंस हैं, उनको हम पढ़ेंगे, जिससे पहचाना जाए कि कौन सी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सी सेकेंड ऑर्डर है, कौन सी थर्ड ऑर्डर है, इनमें से कौन सी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, कौन सी थ्योरेटिकल वैल्यूज है. उसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज जो है केमिकल काइनेटिक्स की. फिर हम पढ़ेंगे ये जटिल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपके सिलेबस में है. उसके बाद हम चलेंगे कैटलिस्ट पे. तो ये एक मैंने समराइज किया थोड़ा सा आपको सिलेबस को कि आपके सिलेबस में क्या क्या है इस केमिकल काइनेटिक्स के अंदर. तो ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है जो एक लगभग एक पूरी यूनिट आपके कवर करता है. बहुत ही सिंपल है और समझने वाला है और एग्जाम पर्पज से बहुत ही अच्छा है. तो हम आज इसको शुरू करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स. ओके, तो टॉपिक इज रासायनिक बलगतिकी एवं उत्प्रेरण. तो मैं इसको यहां से शुरू करना चाहूंगा कि हम तीन पार्ट में, ये जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, भौतिक रसायन में. तो अगर हम किसी रिएक्शन को अध्ययन के हिसाब से, मैं उसको तीन भागों में बांटता हूं. सबसे पहला जो भाग है वो है अभिक्रिया की सुगमता. कोई भी अभिक्रिया जो हो रही है, कोई भी रिएक्शन जो हो रही है, वो कितनी फीजेबल है, वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो स्वतः होगी या नहीं होगी, ठीक है, उसमें क्या एनर्जी चेंजेस आएंगे, ये सब जो पढ़ते हैं इस ब्रांच को या इस अध्ययन को हम कहते हैं ऊष्मा गतिकी. ओके, दूसरा भाग मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का जो बांटा है रिएक्शन के हिसाब से, अध्ययन के हिसाब से, वो है अभिक्रिया की सीमा. अभिक्रिया की सीमा से क्या मतलब है, इस ये जो अध्ययन है इसमें ये देखा जाता है कि अभिक्रिया की प्रारंभिक अवस्था क्या है और अंतिम अवस्था क्या है, उस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है, किस सीमा तक रिएक्शन होती है, ठीक है. और इस अध्ययन को हम कहते हैं रासायनिक साम्य, ठीक है. सेकंड है अभिक्रिया की सीमा, ठीक है. और थर्ड जो ऑप्शन है, तीसरा वाला, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग एवं उसकी क्रिया विधि का
अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो तीन पार्ट में बांटा है। पहला है अभिक्रिया की सुगमता, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। दूसरा है अभिक्रिया की सीमा, जैसे कहें कि हम अभिक्रिया एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक वो अभिक्रिया हो रही है। और तीसरी है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग एवं उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाए। तो ये तीसरा पार्ट है जिसमें कि अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं क्या, रासायनिक बलगति की के नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। क्या हुई रासायनिक बलगति की, जिसमें अभिक्रिया के वेग और उसकी मैकेनिज्म, किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है और उसकी क्रियाविधि क्या है, इसका अध्ययन किया जाए, उससे हम रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रसायन विज्ञान का। इसका कारण ये है कि हम जानते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र होती हैं, जैसे हम सब ने ही पढ़ा है कि जब किसी अम्ल में क्षार को डाला जाता है तो एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है, तो ये रिएक्शन उसकी तीव्रता से होती है, जैसे ही एसिड में बेस डाला तेजी से न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड का, ओके, या बेस का, तो ये बहुत तेज रिएक्शन है। जबकि कुछ रिएक्शन जैसे अम्ल का उदासीनीकरण, ठीक है, और कुछ रिएक्शन बहुत धीमी होती हैं, जैसे बताइए, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो जो लोहे में जंग लगना, ये बहुत ही धीमा प्रोसेस है। क्या क्या चाहिए उसके लिए, नमी चाहिए, है ना, वातावरण की ऑक्सीजन चाहिए, उन सबसे मिलकर आयरन ऑक्साइड बनता है, तो रस्टिंग होता है, पर ये धीमी प्रक्रिया है। कुछ अभिक्रिया है बहुत तेज है, कुछ बहुत धीमी है। ठीक है, इन सबको हम अध्ययन करते हैं रासायनिक बलगतिकी में। और रासायनिक बलगतिकी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अध्ययन होता है, उस अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो अगर हम अभिक्रिया की क्रियाविधि जान पाए, ठीक है, हम ये जान पाए कि किस रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ठीक है, तो हम एक नए नए पाथ डेवलप कर सकते हैं। एक ही चीज बनाने के कई पाथ होते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कौन से पाथ से वो जल्दी बन रहा है, कौन से पाथ से वो तेज बन रहा है, कौन से पाथ से जो रिएक्टेंट है वो सस्ते यूज आ रहे हैं, कुछ रिएक्टेंट महंगे होते हैं, ये सब चीजें हम केमिकल काइनेटिक्स से जान पाते हैं। तो डिफरेंट जो जितनी भी हम रिएक्शन से कोई हमारे काम की जो चीजें बनाते हैं, केमिकल जैसे मेडिसिन वगैरह हैं, तो उन सब के लिए जो पाथ डिसाइड होता है वो जो स्टडी है वो सब केमिकल काइनेटिक्स से ही निकल के आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट अभिक्रिया का वेग। ठीक है, सबसे पहले इसे आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं, उसके बाद हम शुरू करें। अभिक्रिया का वेग, जैसे एज द नेम एम्प्लाइज, रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या कहता है कि अभिक्रिया किस गति से हो रही है ना, अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, जिस वेग से अभिक्रिया हो रही है वही अभिक्रिया का वेग है। ऊपर हमने पढ़ लिया, कुछ तीव्र है कुछ धीमे होती है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, एक ग्राफ है, जैसे इससे आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल, हम एक केमिकल काइनेटिक्स में प्रवेश कर रहे हैं अध्ययन में हम, तो ये सिंप्लीफाइड है, इसके बाद में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है। ये रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन को हम दो चीजों से जोड़ सकते हैं, पहली चीज तो प्रोडक्ट, दूसरा है
रिएक्टेंट। ओके, तो जैसे जैसे ये ग्राफ खींचा गया है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, रिएक्शन आगे प्रोपगेट करती है, वैसे वैसे जो रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन में धीरे 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 ये कमी आती जाती है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी होती जाती है। होना ये चाहिए ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, यही एक रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है धीरे धीरे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ कंसंट्रेशन लिया है, यहाँ टाइम लिया है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन को अगर डिफाइन करें तो इस तरह कहते हैं कि जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता में होने वाली कमी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी समय अवधि में जो रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी है वो रेट ऑफ द रिएक्शन कहलाती है, या दूसरी तरफ प्रोडक्ट की सांद्रता में होने वाली वृद्धि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये भी रेट ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। तो दोनों ही तरीके सही है ना? तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। यहां हम यूं कहें कि अभिक्रिया का वेग, जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिकारक के उत्पाद में बदलने की गति का माप है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये कि जो अभिक्रिया का वेग है वह अभिकारक के उत्पाद में बदलने की गति का मापक है। माप की जगह मापक है, इसको मापक है, ठीक है। दूसरी तरफ समय के साथ क्रियाकारकों, जो मैं बता चुका हूं उसको हम लिख रहे हैं, क्रियाकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन ठीक है, ठीक है। तो ये समय के साथ क्रियाकारकों की या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपके जहन में क्लियर हो जाना चाहिए कि अभिक्रिया का वेग क्या है प्राइमरी स्तर पे, कि अभिक्रिया का वेग या तो जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता में होने वाली कमी या प्रोडक्ट की सांद्रता में होने वाली वृद्धि। ओके, तो हम एक रिएक्शन लेते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इसमें ए प्लस बी कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, और ओके, तो ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इसको हम देते हैं रिएक्शन नंबर, सपोज इक्वेशन नंबर वन। ओके, तो अभिक्रिया के वेग को दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। पहला तो ये कि अभिक्रिया का वेग बराबर है ए या बी की सांद्रता में होने वाली कमी, इसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, ए भी रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, और हमने ऊपर देखा कि अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाली कमी,
यह अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, इसको हमने वेग से डिनोट किया है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि माइनस डी सी अपॉन डी टी, मतलब रिएक्टेंट ए की सांद्रता में समय के संदर्भ में होने वाली कमी, और ऐसे ही बी जो रिएक्टेंट है उसकी सांद्रता में समय के रिस्पेक्ट में होने वाली कमी, दैट इज इक्वल टू अभिक्रिया का वेग। या एक दूसरा तरीका जो वेग की दूसरी परिभाषा है कि जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में होने वाली वृद्धि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो भी डिनोट करती है किसको, अभिक्रिया का वेग को। तो सी और टी हमारे यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट की सांद्रता में होने वाली वृद्धि विद रिस्पेक्ट टाइम ये भी वेग को डिनोट करती है। तो यहाँ पर हमने लगाया माइनस साइन क्योंकि यहाँ कमी हो रही है, यहाँ लगाया प्लस साइन क्योंकि ये वृद्धि हो रही है। तो डी सी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, और डी सी डी अपॉन डी टी दैट इज ऑल्सो रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये हमने लिया है जहां पर कि जो स्टाइकोमेट्री है वो समीकरण में क्रियाकारकों और अभिकारकों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की सेम है, लेकिन यदि स्टाइकोमेट्री में डिफरेंस हो, जैसे ये जो रिएक्शन लिया है इसको हम दोबारा देखें, नीचे एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लो यहां पर ये हो 2a सपोज प्लस b गिव्स 3c प्लस d, ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक डिफरेंस है, यहां पर दोनों समान एटम यूज नहीं ले रहे हैं, है ना। इस सपोज इक्वेशन नंबर लीजिए 2, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें समीकरण में क्रियाकारकों और अभिकारकों की जो सांद्रता है वो अलग अलग हो, तो इस अवस्था में जो अभिक्रिया वेग है उसके समीकरण कैसे लिखते हैं हम, ठीक है, वो हम देखेंगे। ये है सपोज अभिक्रिया का वेग, ये हो जाएगा इक्वल टू ये सांद्रता एक ही है विद रिस्पेक्ट टाइम, अंतर क्या आ जाएगा यहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी है, अभी हम डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या है, जितने अभी समझ लो जितने मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं ए के, उसको यहाँ पर ले लेंगे फ्रैक्शन में 1/2, ये तो हाफ डी सी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा अभिक्रिया का वेग समीकरण, और इक्वल टू फिर हम करें तो क्योंकि इसकी मोल एक ही है बी के, माइनस डी सी बी अपॉन डी टी, और इक्वल टू हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भूल के सबको साथ ही लिख रहे हैं, है ना। ये हो गया डी सी सी अपॉन डी टी, तो यहां क्या होगा क्योंकि 3 बोले तो ये आ जाएगा 1/3 डी सी सी अपॉन डी टी। जस्ट ए मिनट, थोड़ा पीछे ले लेते हैं, 1/3 डी सी सी अपॉन डी टी, ये आ गया पॉजिटिव में क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट है, और सेम यहां नंबर ऑफ मोल सेम है, यहां इक्वल लगा के ओके। तो ये है नॉन स्टाइक जो स्टाइकोमेट्री का अलग अलग है ना उन रिएक्शंस के लिए, ओके। जैसे एक एग्जांपल अगर देखें हम, एग्जांपल लेते हैं, ओके। तो सवाल है ये कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड डी 2NO2N2O5 का डिसोसिएशन हो रहा है, ओके, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है, NO2 और ऑक्सीजन, ठीक है। इसके लिए अभिक्रिया वेग समीकरण लिखना है। तो जैसा हमने ऊपर एग्जांपल देखा है कि जो
कि ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें कि स्टोइकोमेट्रिक सेम नहीं है, ठीक है, उनके लिखने का तरीका हमने ऊपर देखा है, तो उस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया तरीका Dn2O5/dt, है ना। तो क्योंकि ये एक रिएक्टेंट है तो यहां हमें लगाना पड़ेगा सबसे पहले माइनस, ओके। दूसरी बात ये कि यहां पर आगे लिखा है 2, ठीक है, इसको हम ले लेंगे फ्रैक्शन में, तो ये नीचे आ जाएगा यहां पर 1/2 सिंपली, क्लियर। तो ये हो गया हाफ Dn2O5/dt। ये एक तरीका है रिएक्शन रेट को दिखाने का। दूसरा तरीका ये क्या है, प्रोडक्ट, तो ये आएगा प्लस में क्योंकि ये बन रहा है, तो Dn2O/dt और यहां आ जाएगा 1/4, ओके, और यहां आ जाएगा ये प्रोडक्ट है Do2/dt। प्रोडक्ट में जो वृद्धि हो रही है रिएक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इसका आंसर है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन लिखने के लिए अगर आए तो ये तीनों ही तरीके सही है। ये भी रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है, ये भी रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है, और ये भी रेट ऑफ द रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है, ओके। तो आज हम यहीं तक करेंगे, अगली बार हम मिलेंगे तो पढ़ेंगे एक्टिव मास के बारे में, रेट लॉ के बारे में, और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।